हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स एंड थियरी ऑफ मशीन्स सब्जेक्ट का। ओके, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, और आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक लिंक्स एंड टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक्स। ठीक है, तो चलिए, और अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो है लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू थियोरी ऑफ मशीन, और उसकी कुछ जो बेसिक टर्म्स थी वो सब हमने लेक्चर नंबर 1 में देखी थी। जिसने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जो बेसिक्स है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तो थोड़ा बहुत आपको थ्योरी ऑफ मशीन में इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, द बॉडी विच डू नॉट सफर एप्रिसिबल। सबसे पहले काइनेमेटिक लिंक समझने से पहले आपको ये जो टर्म आपको लिखी हुई है ये समझनी पड़ेगी कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। ठीक है, रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक है, और एक और टर्म है जिसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो टर्म्स है वो समझ आएगी जो थ्योरी ऑफ मशीन है उसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेजिस्टेंट बॉडी किसको बोलते हैं। द बॉडी विच डू नॉट सफर एप्रिसिबल डिस्टॉर्शन और चेंज इन फिजिकल फॉर्म बाय द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैम इज कॉल्ड रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंट बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसपे देखिए जब फोर्स एक्ट होने वाले हैं, जब उस पर फोर्सेज एक्ट हो गए तब क्या होगा, उसमें उसके फिजिकल फॉर्म में चेंज नहीं आएगी। फिजिकल फॉर्म में यानी उसके डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेंथ में चेंज आ जाना, उसमें चेंज नहीं आएगा, या तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। डिस्टॉर्शन यानी जो भी मुड़ जाता है तो उसको हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, उसे डायमेंशन में चेंजेस आते हैं उसी को हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं, तो वो नहीं आएगा। पर कैसा, एप्रिसिएबल। एप्रिसिएबल यानी जो विजिबल है, यानी हम बोल सकते हैं कि चल जाएगा। ठीक है, एप्रिसिएबल डिस्टॉर्शन या चेंज उसके डायमेंशन में नहीं होगा, तो ऐसी बॉडी को रेजिस्टेंट बॉडी हम बोलते हैं। ठीक है, दिस बॉडी इज फॉर्म पार्ट्स ऑफ मशीन। देखिए, मशीन्स जो होते हैं, मशीन्स आपको पता है कि पार्ट्स के बने होते हैं। अभी जो पार्ट्स होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, रेजिस्टेंट बॉडी के बने हुए होते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंट बॉडी के बने इसलिए हो गए क्योंकि उस पर जब फोर्सेस लगेंगे तो उसके डायमेंशन में चेंजेस नहीं आने वाले, और आएंगे तो एप्रिसिएबल नहीं आएंगे। ठीक है, और मतलब इलास्टिक लिमिट तक आएंगे, जैसे हमने सॉम में पढ़ा था इलास्टिक लिमिट, कि एक बार फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में चेंजेस आएंगे, और जब फोर्स हटाओगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रेजिस्टेंट बॉडीज नीड नॉट टू बी रिजिड। देखिए, यही बात है ना, रेजिस्टेंट बॉडी कैसी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होनी चाहिए। रेजिस्टेंट का एक और चीज़ बताओ कि उस पर लगने वाले फोर्सेस को वो सहन कर ले। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिजिड होनी चाहिए। रिजिड का मतलब क्या होता है, एकदम मतलब थोड़ा भी चेंजेस आएगा ही नहीं डायमेंशन में। और रेजिस्टेंट का मतलब डायमेंशन में चेंज आएगा, बट कैसा, जो हम चला सके, जो विजिबल ना हो या एपरिसिएबल ना हो। ठीक है, या पता चलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर की बात करूँ, क्रैंक जो कनेक्ट, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है, इसी इंजन होता है, उसमें पिस्टन सिलेंडर्स ये सब होते हैं, उसमें भी देखो कोई भी इंजन में खराबी आती है, वो बहुत सालों, बहुत कार पुरानी हो जाती, तब जाके उसका इंजन ओपन करके पिस्टन सिलेंडर में कुछ अगर प्रॉब्लम आई तो आई, 15 साल 20 साल 25 साल तब जाके आती है, तब तक उसके डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट बॉडी, रिजिड नहीं हुई। ठीक है, रेजिस्टेंट बॉडी जरूरी नहीं कि वो रिजिड हो। ठीक है, जैसे कि देखिए, इट इंक्लूड्स, जैसे कि रेजिस्टेंट बॉडी में आ सकता है स्प्रिंग आ सकता है, क्योंकि उसमें भी देखिए फिजिकल फॉर्म में डिस्टॉर्शन होता है बट इतना एप्रिसिएबल नहीं होता। फिर बेल्ट में भी देखोगे तो बेल्ट क्या होता है, बेल्ट स्ट्रेच होता है तो उसमें डायमेंशन में चेंजेस आते हैं। और भी जैसे कि जो फ्लूड यूज़ करते हैं हम हाइड्रोलिक प्रेस में, वो भी एक तरह से रेजिस्टेंट बॉडी है। मतलब ये रेजिस्टेंट बॉडी ऐसी बॉडीज होती है जिस पे लगने वाले फोर्सेस वो सहन कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं, और वो जो रेजिस्ट करते हैं तब उसके फिजिकल फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। आते हैं तो कैसे आते हैं, एप्रिसिएबल चेंज आते हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि अब बात करते हैं काइनेमेटिक लिंक। तो जैसे मैंने बोल दिया ना कि काइनेमेटिक लिंक बनी जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो रेजिस्टेंट बॉडी की बनी होती है। क्लियर है, वो किसकी बनी होती है, रेजिस्टेंट बॉडी। इसीलिए तो हमने पहले रेजिस्टेंट बॉडी देख लिया, या तो रेजिस्टेंट बॉडी के असेंबली की बनी होती है।
ठीक है, यानी सपोज एक रेजिस्टेंट बॉडी हो सकती है इस तरह से, या तो एक, फॉर एग्जांपल ये दो रेजिस्टेंट बॉडी, ये दो रेजिस्टेंट बॉडी का यहाँ पे मैंने सपोज मान लो वेल्डिंग कर लिया, तो ये दो रेजिस्टेंट बॉडी का असेंबली करके बना दिया विच बिकम्स अ, और ये जो रेजिस्टेंट बॉडी है या असेंबली ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी है ये क्या बन जाएगा, मशीन का पार्ट बनाएगी, देखिए पार्ट ऑफ अ मशीन या पार्ट्स ऑफ अ मशीन, हो सकता है एक पार्ट बनाए या एक से ज़्यादा पार्ट्स बनाए, ठीक है। और वो जो पार्ट्स होते हैं क्या होते हैं, कनेक्टिंग अदर पार्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है वो कहीं कोई और पार्ट से कनेक्ट होगा, जैसे कि ये पार्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर हमारा वन है, और ये पार्ट नंबर वन किसका बना होता है, देखिए असेंबली ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी, ये एक रेजिस्टेंट बॉडी वन है और ये एक रेजिस्टेंट बॉडी टू है, इसकी असेंबली का क्या बन गया, पार्ट बन गया, और उस पार्ट किससे कनेक्ट होता है, कोई दूसरे पार्ट का। अब दूसरा पार्ट भी इसी तरह रेजिस्टेंट बॉडी या असेंबली ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी से बना होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ऐसा कनेक्ट किया है, तो ये इनके बीच में क्या होगा, ऐसा मूवमेंट हो, ये समथिंग लाइक जैसे पकड़ा हुआ है यहाँ पे और हिंज किया हुआ है, तो इस तरह से मूवमेंट होगा, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो बस वही है, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक, यानी समझ आए काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, या काइनेमेटिक एलिमेंट, एलिमेंट तो वर्ड हम आगे यूज़ नहीं करने वाले, लिंक ही बोलने वाले हैं। तो वो रेजिस्टेंट बॉडी होती है या असेंबल ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी होती है, वो एक्चुअली है क्या, वो पार्ट ऑफ अ मशीन है या पार्ट्स ऑफ अ मशीन है, ठीक है। जब वो बन जाता है पार्ट या पार्ट्स होता है जो दूसरे कोई ऐसे पार्ट से कनेक्ट होते हैं, और वो जो दो पार्ट्स, जो पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, ठीक है। तो बस वही है, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे तो और भी ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो लिखा है देखो, इट कैन बी एन असेंबली ऑफ पार्ट्स फॉर्मिंग वन यूनिट, देखो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स से जुड़ी हो सकती है, लिंक जो होती है ना, ऐसे बहुत सारे पार्ट की बनी हो बनी हो सकती है, जैसे एक पार्ट यहाँ ले लिया, दूसरा पार्ट ले लिया, कोई तीसरा पार्ट ले लिया, ऐसे सबको मैंने जोड़ दिया, तो हो सकता है इसके सारे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स बन के एक लिंक बने, एक लिंक बने। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी लिंक मैं जब बोलूँगा तो वो जितने भी पार्ट्स की बनी होती है उस पार्ट्स को कनेक्ट करने के बाद उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ तो एक साइकिल का टायर का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, साइकिल का जो व्हील होता है ना, टायर कहाँ बोल रहा हूँ मैं, व्हील, तो देखिए ये व्हील है और व्हील के ऊपर आपको भी पता है कि टायर लगेगा, ट्यूब लगेगा, फिर बहुत सारे स्पोक्स लगेंगे। तो मैं पार्ट काउंट करता हूँ तो पार्ट देखिए पहला पार्ट हो जाएगा जैसे कि टायर हो जाएगा, फिर ट्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखो कितने पार्ट बने हैं और फिर से स्पोक्स है, ये भी तो इतने लाने पड़ेंगे ना आपको, इतने स्पोक्स लाने पड़ेंगे, तो वो भी पार्ट नंबर 3, 4, 5 ऐसे करते 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 आप 50 पार्ट पे तो यहीं पहुंच गए। फिर उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पार्ट होता है जो आपको यहाँ व्हील पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेंटर में भी आपको उसको जोड़ने के लिए एक और हब जैसा पार्ट आएगा, वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हो ना, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये पार्ट नंबर, फॉर एग्जांपल इसको 1 बोल दिया, फिर ट्यूब को 2 बोल दिया, ठीक है, फिर व्हील को 3 बोल दिया, फिर ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये देखिए ये वही तो है असेंबली ऑफ पार्ट्स है, ठीक है। और असेंबली ऑफ पार्ट क्या बना रहा है, फॉर्मिंग वन यूनिट बना रहा है, ये पूरा वन यूनिट बना रहा है। अब देखिए पार्ट के बीच में रिलेटिव मोशन ही, अगर इसको बोला जाए ना तो ये लिंक वन है, ये सारा लिंक वन ही है, ठीक है। तो लिंक जिस पार्ट का बना होता है ना, या पार्ट या असेंबली ऑफ पार्ट, या बोले तो रेजिस्टेंट बॉडी या असेंबली ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी की बनी होती है ना, उसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होती, वो दूसरे मशीन के कोई दूसरे पार्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, यानी उसको दूसरे लिंक से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक रॉड लगा देता हूँ इस तरह से, तो ये रॉड 2 है, और मतलब ये रॉड, ये लिंक 2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। और ये वाला मैंने पूरा पूरा असेंबली जो बोला उसको लिंक 1 बोला, उसको लिंक वन बोलने का रीज़न क्या है, ये जो दो जो पार्ट्स है ना उसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता, ठीक है। अगर आपको रिलेटिव मोशन का मतलब नहीं समझ आता तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि रिलेटिव मोशन किसको बोला जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, चलिए
देखो रिलेटिव मोशन में, फॉर एग्जांपल एक मैं बाइक का एग्जांपल लूँगा कि अगर एक बाइक ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट डायरेक्शन में, और दूसरी बाइक ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भी सेम राइट डायरेक्शन में, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी क्या? तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है. क्यों? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनकी दोनों के बीच की स्पीड भी सेम है. ठीक है, तो उसको हम रिलेटिव मोशन बोलेंगे उनके बीच में, तो नहीं होगी. ठीक है, इसी तरह का एक एग्जांपल आपको लेता हूँ कि एक बाइक है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और दूसरी बाइक जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. तो आप देख सकते हो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बट उनके बीच में क्या है, स्पीड का डिफरेंस है. यानी एक थोड़ी तेज़ है और दूसरी स्लो है. तो हर वन आवर में 10-10 किलोमीटर का डिफरेंस बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन है. ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि एक बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी बाइक है उसको रेस यानी 0 किलोमीटर पर आवर यानी वो खड़ी हुई है जस्ट. ठीक है, तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन है. तो यस, उनके बीच में भी रिलेटिव मोशन है क्योंकि हर आवर में दो लिंक के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इन दोनों बाइक का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इसलिए इनके बीच में भी रिलेटिव मोशन है. एक और एग्जांपल है, जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बाइक जा रही है राइट डायरेक्शन में और दूसरी बाइक जा रही है सेम स्पीड से बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई. ठीक है, तो क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन है? तो इसका आंसर भी है यस, इनके बीच में भी रिलेटिव मोशन है. क्यों? क्योंकि हर आवर में इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा पर इस बार तो ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसके कारण ये बोलते हैं रिलेटिव मोशन. तो रिलेटिव मोशन कब आएगी? जब दो पार्ट कॉन्टेक्ट में मूव करेगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तब तो कभी भी लिंक काउंट करने के लिए आपको रिलेटिव मोशन होनी ज़रूरी है. ठीक है, अगर दो पार्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो फिर उसको हम एक ही लिंक काउंट करेंगे. ठीक है, अब इस सेम एग्जांपल अगर आप देखते हो ना, तो सेम एग्जांपल मैं आपको क्लॉक का भी फटाफट बता देता हूँ कि इसी तरह आप क्लॉक का काउंट करो. जैसे कि एक क्लॉक है, एक क्लॉक में दो कांटे अगर मैंने ले लिए, तो अगर दो कांटे सेम स्पीड से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन है? तो नो. अगर दोनों जो कांटे होते, जैसे कि हमारा एक्चुअली क्लॉक में आवर और सेकंड का जो कांटा होता है या मिनट का जो हैंड होता है उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, तो यस, क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग होती है. ठीक है, फिर मैं अगर आपको बोलूँ कि जो हैंड होता है आवर का या कोई भी एक हैंड ले लो और जो पीछे की जो नंबर होते हैं या फ्रेम होती है उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, तो यस, क्योंकि फ्रेम क्या है या नंबर क्या है वो वहीं रहते हैं, वो फिक्स है, बट उसके बीच में जो हैंड है वो मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे रिलेटिव मोशन है. अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वो जो हैंड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी उनके बीच में रिलेटिव मोशन है. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का मतलब स्पीड का डिफरेंस होना चाहिए या तो डायरेक्शन का डिफरेंस होना चाहिए, समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे मैं वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो, ये सारे जो पार्ट, भले इतने सारे पार्ट्स है 50-100 जितने भी पार्ट्स है, बट ये सारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, ये सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सबकी स्पीड भी सेम ही है, इसीलिए ये मेरे लिए ये लिंक नंबर वन ही है. अब लिंक नंबर टू कब आएगा? जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मतलब ये जैसे जब कार या साइकिल आगे चलेगी इस डायरेक्शन में तब ये कैसे मूवमेंट करेगा, समथिंग ऐसा नहीं, इस तरह मूवमेंट करेगा. तो ये आगे इस तरफ जा रहा है यानी एक स्टेडी हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ लेता, इसको फिक्स कर लेता और इसको ये घुमा रहा हूँ. ठीक है, तो ये लिंक नंबर वन हो गया और लिंक नंबर टू हो गया. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इसीलिए यहाँ पे इट कैन बी एन असेंबली ऑफ पार्ट्स फॉर्मिंग वन यूनिट. ये देखिए, ये असेंबली ऑफ पार्ट आपको बताया मैंने और एक ही यूनिट बना रहा है यानी एक ही लिंक बना रहा है विद नो रिलेटिव मोशन ऑफ द पार्ट. ये सारे पार्ट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं दिखाई दे रही विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, समझ रहे हो? तो ये सिर्फ एक ही लिंक है और इसका एक एग्जांपल है, एक स्ट्रक्चर बना दिया. जैसे कि स्ट्रक्चर देखो, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो इतने सारे पार्ट्स का बना हो, देखो कितने सारे पार्ट्स है, बट ये सब पार्ट्स के बीच में अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो लिंक बैठ के काउंट करो, तो आप काउंट करोगे सर लिंक कितनी है? एक ही लिंक है. पार्ट कितने हैं? तो पार्ट्स तो बहुत सारे पार्ट, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कितने हज़ार हो जाएगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे होता है काइनामेटिक लिंक का ये मेन डिफरेंस है. ठीक है, पार्ट्स के बीच में और लिंक के बीच में, पार्ट्स क्यों और लिंक अलग होती है चीज़. ठीक है, लिंक काउंट करने के लिए आपके जो दो पार्ट के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए. ओके.
चलो तो मैं जस्ट एक और बार यह रिवाइज करा देता हूँ कि ये एग्जाम में आता है, ठीक है। काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, वो रेजिस्टेंट बॉडी होती है या तो असेंबली ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी होती है, जैसे ही मैंने अभी आपको एक वो आगे के फ्रंट व्हील का एग्जाम्पल बताया, ठीक है। जो क्या होता है वो पार्ट ऑफ अ मशीन है, यानी वो साइकिल का एक पार्ट है या पार्ट्स है। देखो पार्ट और पार्ट्स बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मशीन का, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, कनेक्टिंग अदर पार्ट जो दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन है। जैसे कि एक एग्जांपल बताया था, व्हील जो घूम रहा है इस तरह से, ठीक है। और इट कैन बी असेंबली ऑफ अ पार्ट्स, अब ये सिर्फ व्हील का एग्जाम्पल है, इट कैन बी असेंबली ऑफ पार्ट्स फॉर्मिंग वन यूनिट, ठीक है। ये वन यूनिट बना विथ नो रिलेटिव मोशन ऑफ द पार्ट्स, पार्ट्स पार्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इच अदर। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है स्ट्रक्चर का, और एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको साइकिल के फ्रंट व्हील का बताया। ये पूरा क्या होता है, असेंबली ऑफ पार्ट्स है और एक ही यूनिट बना रहा है जिनके पार्ट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गई चीज़। चलो आगे है काइनेमेटिक लिंक के बारे में क्या, इट इज़ एज्यूम दैट काइनेमेटिक लिंक शुड बी कम्प्लीटली रिजिड, ठीक है। हम एज्यूम, एक काइनेमेटिक लिंक में हम एक एजम्पशन लेने जा रहे हैं जो क्या है, ये वाला। हम आगे जब पढ़ने वाले हैं हम उसको क्या मानने वाले हैं कि काइनेमेटिक लिंक कैसी हम मानेंगे, रिजिड मानेंगे, ठीक है। यानी वो रिजिड क्यों मानेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंट बॉडी मानेंगे तो रेजिस्टेंट बॉडी में तो स्प्रिंग भी आती है, ठीक है, बट स्प्रिंग रिजिड नहीं होती। देखिए स्प्रिंग एक रेजिस्टेंट बॉडी है, स्प्रिंग एक रेजिस्टेंट बॉडी है, बट स्प्रिंग एक रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। ये रिजिड बॉडी है नहीं, स्प्रिंग रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि उसके डायमेंशन में चेंज आ रहे फोर्स लगने से, ठीक है। तो इसीलिए हम जो एजम्पशन लेने जा रहे हैं काइनेमेटिक लिंक में वो क्या है कि काइनेमेटिक लिंक कंप्लीटली रिजिड होगी। द मशीन कॉम्पोनेंट्स विच डू नॉट फिट दिस एजम्पशन, अब मशीन का जो भी कंपोनेंट इस एजम्पशन में फिट नहीं होगा, जैसे कि स्प्रिंग है, उसको हम क्या बोलने वाले आगे जाके, काइनेमेटिक लिंक नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि स्प्रिंग इज नॉट कॉल्ड काइनेमेटिक लिंक, ओके। क्यों, क्योंकि हमारा एजम्पशन काइनेमेटिक में क्या लिया है हमने लिंक में, कि वो रिजिड होगा, और स्प्रिंग रिजिड नहीं है, रेजिस्टेंट है बट रिजिड नहीं है, समझ रहे हो। तो दूसरा एक नोट है कि स्प्रिंग हैव नो इफेक्ट ऑन मास ऑफ द डिवाइस, डिवाइस के मास में इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट प्लेयर रोल वाइल अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके वो पिक्चर में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ईच एंड एवरी मशीन देर इज नो फिक्स्ड, देर इज वन, सॉरी नो नहीं, देर इज वन फिक्स्ड लिंक। देखिए ये तो होता ही है, कोई भी मशीन आप ढूंढोगे, कोई भी मशीन दुनिया का होगा, वो मैकेनिज्म से बना होता है, और उसमें आपको जब लिंक काउंट करने बैठोगे तो एक लिंक आपको फिक्स मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और वो जनरली वो लिंक जो होती है ना, एसेंशियली वो मशीन का फ्रेम होता है, खास करके फिक्स लिंक में फ्रेम तो होता ही है, ठीक है। जैसे कि ये मशीन का फ्रेम है, तो उस पर आप देख सकते हो, जस्ट कैरेज लगाया हुआ है, अभी तो लेथ मशीन का बेड है, इसमें सिर्फ कैरेज लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये एक फिक्स होता है, ये मूवमेंट नहीं होगा, ये फिक्स्ड है। ये वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल की, जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन फिगर में दिखाया हुआ है, और उसमें हम लिंक काउंट करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से लिंक को काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक नंबर वन की, जो है फ्रेम, ठीक है। तो देखिए फ्रेम है या ऐसे जो भी स्टेशनरी पार्ट्स है, जैसे कि सिलेंडर हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, नॉट क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, कैमशाफ्ट बेयरिंग, ये सब फिक्स लिंक में जाएगा, ठीक है। और फिक्स लिंक में जाएगा तो ये सभी लिंकों में वन नंबर के लिंक बोलोगे। जैसे कि देखो ये सिलेंडर हो गया, ये भी फिक्स है तो वन नंबर के लिंक, ठीक है। और ये पूरा जो नीचे का फ्रेम बना हुआ है वो भी फिक्स लिंक में आएगा। ये जो ये आपको ट्राइंगल जैसा शेप दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये भी किस में आएगा, फ्रेम में आएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए क्रैंकशाफ्ट की बेयरिंग, ये सेंटर में आपको क्रैंकशाफ्ट दिखाई दे रहा है, तो क्रैंकशाफ्ट जो होगा ना, ये अगर आप ऐसा साइड व्यू से देखोगे तो आपको क्रैंकशाफ्ट ऐसे दिखेगा, उसको दो दो पार्ट में, दो जगह पे बेयरिंग लगी होगी, यहाँ पे और यहाँ पे, तो जो बेयरिंग है वो भी फिक्स रहेगी, क्रैंकशाफ्ट घूमेगा पर बेयरिंग तो फिक्स है, तो क्रैंकशाफ्ट की जो बेयरिंग है, इसी तरह कैमशाफ्ट की जो बेयरिंग है, कैम क्या होता है हम आगे के चैप्टर में सीखने वाले हैं, उसकी जो बेयरिंग है ये सब फिक्स्ड होती है।
और फिक्स हो गया तो फिक्स लिंक में होगा, और सबको एक लिंक ही माना जाएगा सभी को। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के उस उनके बीच में रिलेटिव होते हैं ना। जैसे कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर एक पार्ट हुआ, ये सिलेंडर का आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर पार्ट नंबर वन है, और यहाँ मशीन की जो फ्रेम है पार्ट नंबर टू है, ये भी फ्रेम में पार्ट नंबर थ्री है, बट ये सभी को मैंने क्या बोल दिया, लिंक नंबर वन बोल दिया ना। ये सब क्या है, लिंक नंबर वन है, समझ रहे हो, ये सब लिंक नंबर वन में आ गया। चलो तो समझ आया क्यों क्यों लिंक नंबर वन है, सारे पार्ट भले अलग अलग है, लिंक एक ही है, क्योंकि उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। चलो अब बात करते हैं लिंक नंबर टू, जो मैंने बताया है क्रैंक। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रैंक, ये वाला जो पार्ट है वो क्रैंक है। ठीक है, उसको मैंने क्या बोला, लिंक नंबर टू बोला, पीछे का भी बताया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। तो क्रैंक ले लो, क्रैंक आप ले लो, क्रैंक शाफ्ट ले लो, क्रैंक शाफ्ट तो सेंटर में है। ठीक है, यहाँ सेंटर में क्रैंक शाफ्ट है ये वाला। क्रैंक पिन कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाली है क्रैंक पिन, देखिए यहाँ पे क्रैंक पिन है, दिस इज क्रैंक पिन। फिर बात करते हैं क्रैंक खुद, क्रैंक तो मैंने यहीं पे बोल दिया है, तो ये जो है ये सेंटर में क्रैंक है। ठीक है, ये क्रैंक है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है, और ये यहाँ पे जो कनेक्टिंग रोड को कनेक्ट किया हुआ जो है वो क्रैंक पिन है। ठीक है, ये सब क्या है, हैविंग रोटरी मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। ये सब क्या होता है, एक फिक्स एक्सिस से गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, ये सब गोल घूमते हैं और रोटरी मोशन होती है, और कंस्टिट्यूट वन यूनिट, और ये सब एक ही यूनिट है ना। देखिए ये जब आगे इस तरह से सर्कल में घूमेगा तो ये पिन, क्रैंक और ये सेंटर में क्रैंक शाफ्ट, ये सब एक साथ घूमेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको घड़ी का एग्जांपल दिया था कि दो हैंड अगर सेम स्पीड से घूम रहा है, या मैंने व्हील का एग्जांपल लिया था कि सारे व्हील के हर एक पार्ट एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से, क्योंकि उनके बीच में रिलेटिव मोशन, तो सबको एक ही लिंक माना जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, लिंक नंबर टू बोल दिया। क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, और क्रैंक पिन है, ये सब। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लिंक नंबर थ्री की। ठीक है, तो लिंक नंबर थ्री में है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो कनेक्टिंग रोड आपको ये दिखाई दे रहा है लिंक नंबर थ्री में, तो कनेक्टिंग रोड है, और जो भी उसी तरह कनेक्टिंग रोड के यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट कोई भी दूसरे हमारे यहाँ पे जैसे कि गजन पिन होता है, यहाँ पे गजल पिन होता है। ठीक है, गजन पिन, तो वो भी क्या आएगा, लिंक नंबर थ्री में आएगा। ठीक है, क्योंकि गजन पिन और कनेक्टिंग रोड ये सब साथ में मूवमेंट करेंगे, जैसे कुछ इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, चलो चार नंबर का पार्ट हमारा है पिस्टन। तो पिस्टन है, पिस्टन रॉड है, यहाँ पिस्टन है, और हो सकता है कभी कभी क्या होता है पिस्टन के साथ ऐसा पिस्टन रॉड भी आता है, और पिस्टन रॉड के बाद कनेक्टिंग रॉड आता है। तो ये पिस्टन है, पिस्टन रॉड है, ये एक साथ मूवमेंट करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे साथ में, तो वो भी एक ही लिंक मानी जाएगी। तो पिस्टन है जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कर रहा है, या रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, वो चार नंबर की लिंक बना रहा। ठीक है, तो समझ आया, इतने पार्ट होने के बावजूद लिंक कैसे काउंट होती है, तो लिंक तभी काउंट होती है कि रिलेटिव मोशन होगी तब। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दो नंबर में ये पीछे जो सर्कल है वो क्या है, फ्लाईव्हील है, पीछे का फ्लाईव्हील है, वो भी लिंक नंबर टू में ही आएगा, समझ रहे हो। ये जो फ्लाईव्हील है यहाँ पे बताना रह गया शायद, या लिखना रह गया, ये रहा ना, मैं पढ़ना भूल गया। तो फ्लाईव्हील जो होता है ना, ये भी लिंक नंबर टू में ही आएगा, क्योंकि पीछे जो क्रैंक शाफ्ट होता है ना, क्रैंक शाफ्ट के पीछे फ्लाईव्हील लगा होता है, तो जैसे जैसे क्रैंक शाफ्ट घूमेगा वैसे वो फ्लाईव्हील घूमता रहेगा, तो वो भी क्या हो गया, सेम लिंक हो गई। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनामेटिक लिंक की। तो काइनामेटिक लिंक्स आर क्लासिफाइड एज नंबर वन रिजिड लिंक, दूसरा है फ्लेक्सिबल लिंक, और तीसरा है फ्लूइड लिंक। मैं आपको बता दूँ ये तीनों लिंक के बारे में। तो रिजिड लिंक ऐसी लिंक होगी जिस पे आप फोर्स लगाओगे और उसके डायमेंशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, रिजिड लिंक ऐसी लिंक होगी जिस पे आप फोर्स लगाओगे, जैसे ये एक मान ले तो ये रिजिड लिंक है, इस पे फोर्स लगेगा तो इसके कोई भी डायमेंशन में चेंज नहीं होने वाला। फ्लेक्सिबल लिंक ऐसी लिंक है जिस पे आप फोर्स लगाओगे और उसके डायमेंशन में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, बट ऐसे चेंजेस जिसमें मोशन में कोई फ़र्क नहीं, जो हम मोशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, नो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट विल नॉट अफेक्ट। चलो मैं अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा, सबको समझ आए। ठीक है, तो फोर्स लगने से क्या हो जाएगा, फोर्स लगने से नो चेंज इन डायमेंशन,
डायमेंशंस। और फ्लेक्सिबल लिंक कैसी लिंक होगी कि आप अगर उस पर फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी डायमेंशन में, बट इट विल नॉट अफेक्ट, इट विल नॉट अफेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। यानी आपके मोशन जो ट्रांसमिशन हो रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने देगा, उसको अफेक्ट नहीं करने देगा। और फ्लूड लिंक जो होगी वो हम फ्लूड के हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं, मोशन जो ट्रांसमिट करते हैं ना, मोशन इज ट्रांसमिटेड। यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट के मोशन, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको धक्का लगाता हूँ तो ये आगे बढ़ेगा, तो मोशन ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ मैकेनिकल पार्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे मोशन ट्रांसमिट करने के लिए क्या लगाने वाले हैं हम लोग, मोशन इज ट्रांसमिटेड विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ फ्लूड। ठीक है, तो देखिए रिजिड लिंक का एग्जाम्पल, एक्चुअली तो ऐसे लाइफ में कोई रिजिड लिंक है नहीं, बट हम कुछ कुछ ऐसे पार्ट है जिसको रिजिड लिंक मान सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था अभी कि कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, सिलेंडर है, इसके डायमेंशन में सालों साल में चेंजेस नहीं आते, आते हैं बट बहुत साल लग जाते हैं, तो इसको हम एक तरह से मान सकते हैं रिजिड लिंक। देखिए रिजिड लिंक है नहीं बट इसको हम रिजिड लिंक मान सकते हैं क्योंकि इसके डायमेंशन में सालों साल में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। फ्लेक्सिबल लिंक में क्या आता है, बेल्ट आता है, ठीक है, फिर चेन आती है, चेन ड्राइव होती है, ये सब फ्लेक्सिबल लिंक में आता है। ठीक है, फ्लूड लिंक में बात करते हैं तो फ्लूड लिंक में तो हमने एग्जांपल लिया है जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस से, हाइड्रोलिक जैक, जो भी हाइड्रोलिक वाली चीज़ है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये सब में जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक में आप जब जो क्लच दबाते हो, क्लच है या क्लच कहाँ है, ब्रेक, ब्रेक का लीवर दबाते हो तो मोशन कैसे ट्रांसमिट होगी, फ्लूड के थ्रू होगी, जो अंदर ऑयल भरा होगा, आपको ऑयल का लिक लगा होता है आगे की तरफ, आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो उसको फ्लूड लिंक बोलेंगे। चलिए बात करते हैं रिजिड लिंक के बारे में, फटाफट पढ़ लेते हैं कि इट इज़ अ लिंक विच डज नॉट अंडरगो एनी अप्रिसिबल डिफॉर्मेशन। देखा, ऐसी लिंक जो क्या होगी, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आने वाला वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन और फोर्स, जब फोर्स या मोशन को ट्रांसमिट करेगा तो उसके डायमेंशन में चेंजेस नहीं आने वाले। परफेक्ट रिजिड लिंक डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने आपको बोल दिया, एज अ डिफॉर्मेशन ऑफ क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, ये सब है रेसिप्रोकेटिंग इंजन के, उसको हमने इज़ नॉट एप्रिसिएबल यानी उतना नहीं होता, तो उसको हमने मान लिया, दे कैन बी कंसिडर्ड एज रिजिड लिंक्स। चलिए फ्लेक्सिबल लिंक में हमने क्या देखा था कि इट इज़ अ लिंक विच पार्टली डिफॉर्म्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट अफेक्ट द रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। देखा, वो पार्टली डिफॉर्म हो जाते हैं बट वो मोशन ट्रांसमिशन में अफेक्ट नहीं होने देते। ठीक है, बेल्ट ले लिया, चेन ले लिया, रोप ले लिया, ये सब जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं और उसको, और हमारे कोई भी मोशन और फोर्स उसको ट्रांसमिट करके देते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ने देता। ठीक है, और लास्ट है फ्लूड लिंक, तो इट इज़ द लिंक विच ट्रांसमिट द मोशन बाय फ्लूड प्रेशर या फ्लूड के कॉम्प्रेशन से, तो फ्लूड के हेल्प से ये क्या करते हैं, मोशन ट्रांसमिट करते हैं। एग्जाम्पल, फ्लूड जो यूज़ होता है जैक्स में, स्क्रू जैक्स होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस होती है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक की ब्रेक्स होती है ऑटोमोबाइल में, ये सब क्या होते हैं, फ्लूड लिंक के एग्जांपल है। जैसे कि देखो, ये एक मैकेनिकल पार्ट है और यहाँ पे दूसरा एक मैकेनिकल पार्ट है, बट इन दोनों मैकेनिकल पार्ट के बीच में कनेक्शन देखो फ्लूड का है, दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से प्रेस करूँगा तो आपको भी पता है कि फ्लूड क्या करेगा, इस मोशन को ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे और ये लिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन ट्रांसमिशन किसकी मदद से हो रहा है, फ्लूड के प्रेशर से हो रहा है, फ्लूड के हेल्प से हो रहा है। तो ऐसी ये जो सेंटर में ये जो लिंक है उसको क्या बोला हमने, ये फ्लूड लिंक बन गई हमारी। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए फिर, आज के लेक्चर में था काइनेमेटिक लिंक एंड टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक। अब जो आगे के जो वीडियो आने वाले हैं, आपको उसके टॉपिक यहाँ पे बताए हुए हैं मैंने, वो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि इन फ्यूचर मेरे किस तरह से वीडियोस आने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर, अब यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।